बैक टू गेम्स बेटी। आज के इस वीडियो में खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट। तो गाइस जैसे कि आपने मेरे माइनक्राफ्ट के लास्ट वाले एपिसोड में देखा होगा कि मैंने सिर्फ माइनिंग करी थी और उससे मुझे डायमंड्स मिल गए थे, और 5 डायमंड्स मिले थे तब मुझे, तो उससे मैंने पिकैक्स और एक स्वॉर्ड बना लिया। लेकिन मैं गया था ये मेरे घर के पास में एक माइन है, वो भी अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ। वो माइन में मुझे यार वो डायमंड्स मिल गए थे, 22 डायमंड्स और मिल गए थे। तो उससे मैंने मतलब कि वो मैंने रखे हैं, और 22 डायमंड से मुझे ना ज़्यादा ही मिल गए थे। उससे मैंने ये आर्मर पूरा डायमंड का बना लिया है, 22 डायमंड से ज़्यादा मिले थे मुझे। तो अभी पहले मैं सो जाता हूँ, और अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ अपना घर, जो कि मैं मुझे बनाने में कम से कम 1 घंटा लगा है। मैंने अपनी छत भी बनाई है, ये छत मैंने कुछ अलग टाइप की बनाई है, और मैं अपना घर आप लोग को बाहर से दिखा देता हूँ। मैंने डोर क्लोज कर दिया है, देखो बाहर से मेरा घर कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। वहाँ मैंने वो बाउंड्री भी लगा दी, मैंने यहाँ पर पूरा ग्लास लगा दिया है, और मेरा घोड़ा वहाँ पर है ही। और ये है मेरा घर, अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है। और यहाँ पर मैंने सीढ़ी भी लगा दी है, वो मेरा बेड है। और यहाँ स्टोरेज एरिया में मैंने कुछ चेंज नहीं करी, खाली मैंने टॉर्च लगा दी है पूरे घर में, और मैंने मतलब छत को अच्छे से बनाने की कोशिश करी है। और यहाँ पर मैंने टेरिस पे आने के लिए मतलब नेदर पोर्टल, तो मैं टेरिस पे ही बनाऊँगा। और मेरे पास ऑब्सीडियन भी है, ऑब्सीडियन की टेंशन मत करो, मैं अभी ऑब्सीडियन लेके आता हूँ। और नेदर पोर्टल आज एक्टिवेट करते हैं, और आज मैं अगर ऑब्सीडियन बच जाएगा तो फिर एन्चेंटमेंट टेबल भी बना लूँगा मैं। लेकिन मैंने ऑब्सीडियन रखा कहाँ था, इतना सारा टेस्ट है यार, ढूंढते हैं। अब ढूंढने में टाइम लगेगा शायद। ये फ्लिंट तो मेरे पास है, लेकिन आयरन भी है, फ्लिंट भी है। अभी इसको मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ, एक फ्लिंट एंड स्टील को, ये क्राफ्ट हो गया है। अभी इसको मैं रख देता हूँ, और यहाँ पर आयरन नहीं मिल रहा है यार, ऑब्सीडियन में ढूंढ के, हाँ मिल गया, 34 ऑब्सीडियन है, इतने में तो हो जाएगा काम। जल्दी से एक्टिवेट करते हैं नेदर पोर्टल को, फिर वहाँ से अगर क्वार्ट्ज मिलेंगे तो वो भी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लगाऊंगा नेदर पोर्टल, नहीं तो अगर मैं ग्लास पे लगाऊंगा तो फिर मेरे घर की लुक बेकार हो जाएगी। ये भी ले लेते हैं, और गलत नहीं लगना चाहिए, 1 2 3 4। अभी मुझे कम से कम 5 ब्लॉक ऊपर जाना होगा, ये 1 2 3 4 5, 1 2 बैठ जाता हूँ मैं यार, फिर नहीं पड़ेगा। चलो अच्छा हो मेरे पास आर्मर था, ज़्यादा हेल्थ नहीं गई। अब एक्टिवेट हो जाएगा नेदर पोर्टल, पहले मैं इसको तोड़ देता हूँ, टूटने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। और ये टूट गया, कलेक्ट हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया नेदर पोर्टल एक्टिवेट। ये वाला मैंने ऊंचा बनाया है, पहले वाले में मैंने ऊंचा नहीं बनाया था, ये वाला ऊंचा है। चलो अभी नेदर पोर्टल तो एक्टिवेट हो गया, उसमें हम लोग जाएंगे बाद में। पहले मैं एन्चेंट टेबल बना लेता हूँ, और अपने आर्मर को मैं एन्चेंट कर लेता हूँ जल्दी से। मैं अपने वो डायमंड बाहर निकालता हूँ, खाली 2 डायमंड या 3 डायमंड चाहिए होंगे, 2 या 3 पूरे ही ले लेते हैं। अभी डायमंड की तो उतनी कमी नहीं है, बस बीकन तो बनाने के लिए विदर को मारना पड़ेगा यार, लेकिन मेरे पास बुक नहीं है। शुगर केन है क्या मेरे पास? शुगर केन इस वाली चेस्ट में पड़ा तो रहना चाहिए, ये वाली चेस्ट में होना तो चाहिए यार, नहीं है शुगर, नहीं बुक ही पड़ी है पूरी की पूरी यार। चलो बुक है, अभी एक एन्चेंटमेंट, 4 बनेगा लेकिन मुझे एक ही चाहिए। और अभी बुक सेल्फ भी बनाना होगा मुझे,
देखते हैं कितनी बुकशेल्फ बनेगी इससे। 3 ही बनेगी खाली। चलो मुझे कम से कम 15 बुकशेल्फ चाहिए होगा। और मैं एन्चेंटमेंट टेबल को अपने घर के बीचों बीच लगाऊंगा। ये एन्चेंटमेंट टेबल है, ये मेरी बुकशेल्फ। ठीक है चलो पहले इधर एन्चेंटमेंट टेबल लगा देता हूँ। यहाँ एक बुकशेल्फ, यहाँ एक, यहाँ नहीं यार, वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा यार। चलो अभी एक मैं और क्राफ्ट कर सकता हूँ शायद से। हाँ एक ही हो सकता है। अभी मुझे शुगर केन से पेपर बनाना होगा, फिर उसकी बुक बनानी होगी, फिर जाके मैं बुक शेल्फ बना पाऊँगा। और वुड तो मेरे पास बहुत पड़ा है, तो चलते हैं पहले जल्दी से। रुक जाओ, पहले मैं अपने हाथ में सामान ले लेता हूँ। एक्स और ये ले लेते हैं बस। डायमंड लेके क्यों जा रहा हूँ मैं, लेकिन अभी मेरे घर के पास कुछ खतरा नहीं है। मैं एक्सपी भी ले लेता हूँ, एक्सपी से फिर ज़्यादा अच्छी एनचेंटमेंट्स मिलेंगी। अभी तो खाली 9 एक्सपी है। ये लोग को मार मार के तो एक्सपी मिल जाएगी और उसको खाना भी मिल जाएगा। चलो शुगर केन इधर कहीं होना तो चाहिए। हाँ सामने मुझे दिखा शुगर केन। यार शुगर केन फार्म बनाना ही पड़ेगा शायद, अब लग रहा है। चलो पहले ये वाला शुगर केन ले लेते हैं हम लोग। मिला ना पूरा, कलेक्ट हो गया शायद। खाली 2 ही मिला है, छोड़ो यहाँ पर गिर गया कुछ। चलो 3 मिल गया है। और अभी यहाँ सामने और है। पूरा शुगर केन लेने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। यहाँ से भी लेते हैं, वहाँ पर मैंने और देखा था। अभी मैं कलेक्ट करके फिर घर पे जाके बुक्स बनाता हूँ। गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी लाइब्रेरी को अच्छे से बना लिया है। और अभी तो एक्सपी मुझे नहीं मिली उतनी, 9 ही है। लेकिन मुझे अभी लैपिस भी चाहिए होगा इंस्टॉल करने के लिए। तो लैपिस लदूली तो हम लोग को माइनिंग करते टाइम मिल ही जाएगा। मैंने इतनी माइनिंग करी नहीं, लेकिन मुझे खाली डायमंड मिले और आयरन मिला, लेकिन लैपिस मुझे कहीं भी नहीं मिला। लैपिस तो हम लोग ले लेंगे, लेकिन अभी मैं आप लोग को नेदर में चल के दिखाता हूँ। देखते हैं वहाँ पर अगर घास नहीं होगी तो मैं वहाँ से नेदर कॉर्ड ले लूँगा। तो देखते हैं क्या सीन होता है। भाई यहाँ तो घास नहीं है, यहाँ तो नहीं है। गोल्ड ये कैसी आवाज़ है, छोड़ मैं यहाँ से कॉर्ड ले लेता हूँ। इससे देखो इतनी अच्छी, मतलब इतनी जल्दी जल्दी एक्टिव मिल जाती है। और इसके ब्लॉक से हम लोग, मतलब इसके ब्लॉक से, मतलब जो कॉर्ड का ब्लॉक हम लोग बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। ब्लैक मतलब वाइट वाइट बहुत अच्छा लगता है उसको। मैं घर को अच्छे से बना सकता हूँ। वुड को तोड़ के मैं कॉर्ड भी कर दूँगा अगर टाइम मिलेगा तो। लेकिन अपना कॉर्ड यहाँ से थोड़ा बहुत नेदर रैक ले लेते हैं। गोल्ड वाला गेट भी ले लेते हैं। यार कुछ भी नहीं रहा और यहाँ पर मेरा नेदर पोर्टल तो अच्छी जगह खुला है। यहाँ घास तो मतलब नहीं आ पाएगी, लेकिन ठीक है ठीक है, वैसे इतना भी बुरा नहीं। चलो अगर कहीं ओपन एरिया में पहुँचा ना और प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर मुझे और कॉस्ट दिख रहे हैं। चलो मेरी पिकैक्स में अगर मैं एक बार मेंडिंग लगा लूँगा ना तो फिर मजा ही आ जाएगा नेदर पोर्टल में आके। चलो यहाँ पे बहुत कॉस्ट है, ये सब मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और आज की वीडियो में मैंने नेदर पोर्टल भी एक्टिवेट कर दिया, एन्चेंटमेंट टेबल भी बना लिया। बस अब मुझे एक बार एनविल बनाना है और बुक्स चाहिए एन्चेंटेड, क्योंकि मैं एन्चेंट भी कर सकता हूँ और लाइब्रेरियन से भी ले सकता हूँ। लेकिन मेरे घर के पास जो विलेज है वो पूरा अबैंडन्ड है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पर विलेजर ही नहीं है,
तो फिर मुझे दूसरा विलेज भी ढूंढना पड़ेगा। विलेज तो मिलता ही रहता है, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। और अभी मैं अपने वर्ल्ड में चलता हूँ, मेरे पास कितना हुआ वो अभी नहीं खुलेगी एंट्री। अभी वर्ल्ड में जाने के बाद खुलेगी भैया, ये क्या है? अभी मेरे पास 29 नेदर आया क्या, 22 नेदर, मतलब नेदर कॉर्ड है, तो उससे मैं देखता हूँ कितने ब्लॉक बनेंगे। कम से कम देख ही लेते हैं, मुझे नहीं पता कितने ब्लॉक बनेंगे 22 कॉर्ड से। चलो जल्दी चल, देखते हैं। 5 ही बनेंगे खाली, लेकिन ये एकदम वाइट वाइट है ना, एकदम अच्छे लगते हैं मुझे। चलो इसे खोलते हैं। यहाँ पर मैंने अपने डायमंड भी रख दिए हैं और इसको, इस ब्लॉक को भी रख देते हैं। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय।